इलाज है या नहीं है, क्योंकि इलाज तो अभी तक सर्दी जुखाम का भी नहीं है, सर्दी जुखाम की भी कोई वैक्सीन नहीं है। क्या हम उससे डरते हैं? नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग नहीं मरते हैं। तो सबसे पहले डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली कितना है। कितने टेस्ट हुए? 40 लाख टेस्ट हुए, उसमें से 2 लाख लोगों को हुआ, तो नियर अबाउट एवरेज कितनी आई? 5%। अगर यही हमने 4 करोड़ टेस्ट करे होते तो कितने डिटेक्ट हो गए होते अब तक? 20 लाख हो जाते। 40 करोड़ करे होते तो कितने हो जाते? 2 करोड़ हो जाते। टोटल अगर कर लिए होते हमने टेस्ट 130 करोड़ का, तो कितना नंबर निकल करके आ जाता? नियर अबाउट 5 करोड़। इसका मतलब 5 करोड़ लोगों को या तो आज की डेट में है या हो चुका है। और एक और मजे की बात यह है कि कोरोना में ऐसा नहीं है कि जिसको भी होता है उन सबके सिम्टम्स आते हैं। 80% से ज्यादा जो केसेस होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। यानी अगर मुझे हो गया है और मैं ठीक भी हो गया हूं तो मुझे पता तक नहीं है। वो तब मुझे पता लगेगा अगर मैं अपने टेस्ट कराऊंगा जिसको एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, और मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज मिलेंगी, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरे को था और वो ठीक हो गया है। तो अभी अगर हम बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो 5 करोड़ निकल करके आ रहा है नंबर। उसमें से डेथ कितनी हुई है? 5,800। तो 5 करोड़ में से 5,800 डेथ हुई है। पहले तो इसको कैलकुलेशन को हमको ठीक करना है। डेथ को अंडर रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ओवर रिपोर्ट किया जा सकता है। ओवर रिपोर्ट कैसे? फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी में टेस्ट हुआ, आपकी बॉडी में मिला कोरोना वायरस, लेकिन आपके अंदर पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली रही थी, तब भी आपकी किसी ना किसी वजह से डेथ होने ही वाली थी, बट क्योंकि ये कोरोना आया आपकी बॉडी में इस वजह से आपकी डेथ हो गई, तो ये ट्रिगर कर गया। तो ये जो 5,800 का नंबर है, ये इससे कम तो हो सकता है, इससे ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है, बट एक बार को मान लेते हैं कि इतना ही है नंबर, ना कम है ना ज्यादा है। तो कितनी परसेंटेज निकल करके आई? 5 करोड़ में से अगर 5,800 डेथ्स हुई हैं, तो क्या परसेंटेज निकल करके आई? नियर अबाउट 0.01%। ये उससे बहुत कम है जितनी डेथ्स हमारे यहां पे होती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। हर साल की अगर हम एक कैलकुलेशन देखें तो 1.5 लाख से ज्यादा डेथ हो जाती है इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। हर 4 मिनट में एक डेथ होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। और अगर अभी आप देखोगे सड़कों पे, एक बहुत ही फनी चीज नजर आ रही है, 2-व्हीलर पे जा रहे हैं, मास्क सबने लगाए हुए हैं, कभी भी नोट करना है इस चीज को, हेलमेट नहीं पहने हुए, हेलमेट बहुत कम लोगों ने पहने हुए हैं। इससे हमको क्या समझ आ रहा है? क्या ये समझदारी है? बेवकूफी है, क्योंकि हेलमेट ना लगाने की वजह से उनके मरने के चांसेस उससे बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है जितना कि कोरोना से मरने के उनके चांसेस है। तो ये डर है जो चारों तरफ फैल रहा है, और मीडिया डर को और बढ़ाता चला जा रहा है। और क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन किसी के भी पास में नहीं है, या सही कैलकुलेशन किसी के पास में नहीं है, ये जो अभी हम कर रहे हैं इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। यानी एक डेटा को देख करके एक मॉडलिंग करी जाए और फिर समझा जाए कि एक्चुअल में जो सही डेटा है वो क्या है। ये नहीं कि लिमिटेड डेटा के बेस पे हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लें और उसके बेस पे डरते रहें। तो अगर इसका डेथ रेट 0.01% है, तो हम सब इतना डर क्यों रहे हैं? क्या कुछ और है जिससे हमको डरना चाहिए, जिससे हम नहीं डर रहे हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो इससे लाख गुना ज्यादा भयानक है? मतलब कोरोना से लाख गुना ज्यादा खतरनाक कुछ है जिससे हम नहीं डर रहे हैं और इससे हम डर रहे हैं? वो क्या है जिससे हमको डरना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट। अभी पीछे कुछ आर्टिकल्स आए थे न्यूज़पेपर में, जहां पे एक फिगर आई थी निकल करके, आई एम नॉट टू श्योर ये फिगर कितनी सही है कितनी नहीं है, जहां पे आया था कि 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इस फिगर से हमको डरना चाहिए? 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड होने का मतलब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कि ये जो 13 करोड़ लोग हैं, ये अपने जो खर्चे हैं वो अब बहुत ही लिमिट में कर देंगे। जिस बंदे की नौकरी चली गई है, क्या वो जाकर के मार्केट में नए कपड़े खरीदेगा? क्या अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदेगा? ट्रैवल एंड टूरिज्म तो भूल ही जाओ। ऐसी और हजारों इंडस्ट्रीज हैं जिनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पे। जब डिमांड कम होगी तो क्या करना पड़ेगा इन ब्रांड्स को, इन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, इन मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना पड़ेगा? अपनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। जितनी उन्होंने सप्लाई कम करी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया, कि आज जो नंबर 13 करोड़ है वो बढ़ करके कितना हो गया? 20 करोड़। यानी पूरा का पूरा लूप बन जाएगा। इस लूप को बोलते हैं रिसेशन, जो ग्लोबली ऑलरेडी रिसेशन आ चुका है, और अगर यही रिसेशन और डीप होता चला जाए तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन, जहां से एक इकोनॉमी को बाहर आने में 5 से 10 साल लगते हैं। तो इकोनॉमी का पहले ही बुरा हाल था, प्लस इस कोरोना की वजह से और बुरा हाल हो गया है, प्लस जो रहा सहा हमारा जो अपना डर है, वो सिचुएशन को और खराब करता चला जा रहा है, और इस डर को हर कोई बढ़ा रहा है, कोई भी कम करने का काम नहीं कर रहा है। एक्चुअल में अगर आप मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है, तो हम डर क्यों रहे हैं? सोचो, बस इसलिए कि
डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डेथ नहीं होनी चाहिए, मतलब हम कहते हैं कि किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो लॉकडाउन परमानेंट हो जाना चाहिए, सड़कों पर निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा 1.5 लाख डेथ बचेंगी। 1.5 लाख लोग जो हर साल एक्सीडेंट में मरते हैं, उनको हम बचा सकते हैं ना, उनकी लाइफ बच जाएगी। परमानेंट कर दो लॉकडाउन को, कैसा है आइडिया? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने एक आदमी की एक कहानी सुनी थी, उसके घर में एक चूहा घुस गया, तो उस चूहे को उसने पकड़ने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो चूहे को नहीं पकड़ पाया, तो एंड में उसने क्या किया, घर पे आग लगा दी, अपने घर में आग लगा दी। उसके बाद भी चूहा तो बच करके निकल गया, घर चला गया, घर जल गया। यही हालत है इसकी, कोरोना की। इस डर को हमको खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के इस प्रॉब्लम का एक्चुअल में सोल्यूशन निकलेगा, जो रियल प्रॉब्लम है। और रियल प्रॉब्लम कोरोना नहीं है, रियल प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है, रियल प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी एक हम्बल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या जो भी लोग एक पर्टिकुलर पोजिशन पे हैं, उन लोगों को, कि हमको टेस्ट करने कम करने हैं, टेस्ट बढ़ाने नहीं है। अभी हम गलती क्या कर रहे हैं, टेस्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से डर बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट क्या एक क्राइटेरिया नहीं बना सकती कि जो क्रिटिकल केसेस है बस उन्हीं का टेस्ट करो, क्योंकि उन्हीं को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, तो उन्हीं का टेस्ट होना चाहिए ना। जो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, जिनको माइनर सिम्टम्स हैं और वो खुद ही ठीक हो रहे हैं, उनका टेस्ट करने की क्या जरूरत है, उससे तो पैनिक और बढ़ेगा। और अगर टेस्ट कर भी दिया तो हम करने क्या वाले हैं, उनको क्या हॉस्पिटल में एडमिट करने वाले हैं? नहीं, घर पे क्वारंटाइन करने वाले हैं। अभी जो क्वारंटाइन वाला फंड है, ये भी जब बेस छोटा होता है तब तो काम करता है, जब करोड़ों में हो जाता है तब काम नहीं करता है। मैं अगर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं जो मेरी थॉट प्रोसेस है उसको, इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन है कि हम एक घर में है और चारों तरफ से बाढ़ आई हुई है, और ये जो घर है हमारा वो ऐसा है, इसको इमेजिन करो, जहां पे हजारों दरवाजे हैं, तो हम क्या करें, इसमें से एक दरवाजे को पकड़ लें और उसी को पक्का करते चले जाएं, ये है क्वारंटीन, और बाकी के हजारों खुले पड़े हैं, एक को हम पक्का करते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहां से पानी अंदर नहीं आना चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 130 करोड़, टेस्ट कितने हुए हैं अभी तक, 40 लाख, डेली के कितने हो रहे हैं, 1 लाख, महीने के कितने हुए, 30 लाख, साल के कितने हुए, 3 करोड़ 60 लाख। तो यानी कि अगर हमको सबका टेस्ट करना है तो कितने साल लगेंगे, 36 साल। तो जब हमको दिख रहा है साफ साफ कि हम सबका टेस्ट कर ही नहीं सकते, तो हम टेस्ट क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? या तो सबका टेस्ट करो और सब में से सबको देख करके सबको क्वारंटीन कर दो। ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि वो जो घर है जिसकी मैंने अभी बात करी, या तो उसको हर तरफ से सिक्योर करो कि अगर उसके हजार दरवाजे हैं तो एक को बंद मत करो, सारे बंद कर दो, तब आप कह सकते हो कि यहां पानी अंदर नहीं आएगा। कि हमने 130 करोड़ लोगों का टेस्ट कर लिया है, उसमें से केसेस निकल गए हैं 6 करोड़, और 6 करोड़ को हमने क्वारंटीन कर दिया है, अब ये आगे नहीं फैलेगा, अब 6 करोड़ से 10 करोड़ पे नहीं जाएगा। बट हमने टेस्ट ही करे 40 लाख जिसमें से केसेस आए 2 लाख, अगर इन 2 लाख को हमने क्वारंटीन कर भी दिया तो बाकी करोड़ों लोग तो बाहर घूम रहे हैं ना, तो उससे होगा क्या? तो अब हमको समझ जाना चाहिए कि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से हमको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया अभी कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं आपके स्टेट में, और अभी कितने और आपने अरेंजमेंट कर रखा है, और कितने और कर सकते हो। अब वो बेड चाहे किसी हॉस्पिटल में हो, चाहे किसी होटल में हो। और प्लस ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं जा रही लोगों के पास में कि इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना आप डर रहे हो। हाँ ठीक है, प्रिकॉशंस लो, सेफ्टी मेजर्स लो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो, लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना आप लोग डर गए हो, क्योंकि डेथ रेट कम है। ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए अब लोगों के पास में, वक्त आ चुका है। अगर ये नहीं गई तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली इकोनॉमी के लेवल पे, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। रियलिटी को हमको पहले समझना होगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम कह रहे हैं कि हाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड है, गवर्नमेंट को क्या लग रहा है अलाउड बोल करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अलाउड तो हो गई, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, वो बता रहे हैं कि लेबर ही नहीं है, लेबर सारी अपने गांव चली गई है, तो अब कौन कंस्ट्रक्शन करेगा वहां पे? अब ये लेबर चली तो गई है, इसको वापस कैसे बुलाओगे? मीडिया में अगर रोज ये दिखेगा कि केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, वापस आएंगे वो लोग? एक से लाख नहीं आएंगे। तो उनको मीडिया में क्या दिखना चाहिए, न्यूज में क्या दिखना चाहिए, कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो लोगों के अंदर का डर निकलना चाहिए। यानी जो भी मैंने अभी तक कहा, अगर मैं उसको सम अप करूं तो वो क्या है, प्रैक्टिकली अगर पॉइंटर्स में सॉल्यूशन देखा जाए, नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट धीरे धीरे हमको कम करने हैं, बढ़ाने नहीं है। दिन के 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से 10,000 कर दो, 1 लाख के 90,000 कर दो, एटलीस्ट बढ़ाओ मत, समझ गए? 1 लाख के 1.5 लाख टेस्ट मत करो दिन के, 2 लाख मत करो, क्योंकि तब भी 36 साल लगेंगे पूरा करने में। अगर आपने स्पीड डबल भी कर दी तब भी 18 साल लगेंगे,
18 साल तक तो पता नहीं ये बीमारी कहां होगी, किसी को याद तक नहीं होगा। तो करना क्या है गवर्नमेंट को, अगर थोड़ा सा सेंसिबली चले कि टेस्ट को धीरे धीरे कम करते चले जाओ, यानी 1,00,000 से 90,000 कर दो, फिर कुछ दिन बाद 80,000 कर दो, फिर 70,000 कर दो। इसकी वजह से क्या होगा, मीडिया में केसेस कम होते हुए दिखेंगे, अखबारों में केसेस कम होते हुए दिखेंगे, हर जगह पे जहां पे अभी आ रहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी फिगर, आज तक के सबसे ज्यादा केसेस, वो सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे, कम मीडिया में पैनिक फैलेगा, कम पैनिक फैलेगा लोगों में, धीरे धीरे लोग बाहर निकलना शुरू होंगे जो अभी नीड ऑफ द आवर है। धीरे धीरे लोग बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, धीरे धीरे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे लोग जो गांव चले गए हैं वो वापस आएंगे, एक्चुअल में काम शुरू होगा, ऑन पेपर नहीं कि काम शुरू हो गया है, एक्चुअल में लोगों का काम शुरू होगा, लोगों का काम शुरू होगा, इकोनॉमी शुरू होगी। बिल्कुल ऐसा है जैसे 2 महीने के लिए आप किसी गाड़ी को बंद करके कहीं पे रख दोगे राज में, तो क्या होगा, बैटरी डाउन हो जाएगी, उस वक्त क्या करना पड़ेगा, उसको धक्का मारना पड़ेगा। तो अभी उस धक्के की जरूरत है, जंप स्टार्ट की जरूरत है। अब जो टाइम है वो डरने का नहीं है, इस डर को खत्म करने का है, क्योंकि कोरोना ने जितने लोगों को नहीं मारा, ये डर मारने वाला है असलियत में। तो अब इस डर को खत्म करने का टाइम आ गया है, अब हम सबको मिलकर के दिमाग ये लगाना है, ये नहीं कि डर को कैसे बढ़ाएं, बल्कि दिमाग ये लगाना है कि डर को कैसे कम करें या खत्म करें, और लोगों के कॉन्फिडेंस को कैसे वापस से लेकर के आए।